अगर इंसान के अंदर हुनर हो और कुछ करने का जुनून भी, तो वो खाने की मेज पर चटकारे लेते हुए भी अपनी सफलता की कहानी लिख सकता है। ठीक दिल्ली की याचना बंसल की तरह, देश की सामान्य गृहिणी की तरह याचना भी घर में अचार तैयार करती थी, लेकिन इसी सामान्य शौक से याचना ने 30 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। हर एक नए आइडिया के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ही एक मोटिवेशन याचना को भी मिला डिनर करते वक्त। जस्ट चांस की बात है कि एक बारी लंच पे हमारे घर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए, उन्होंने बहुत तारीफ की कि मतलब ये जो पिकल्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, टेस्टी हैं, तो ये जो टेस्ट है इसको आपने सिर्फ अपने घर तक ही क्यों रोक के रखा हुआ है, ये बाहर निकलना चाहिए थोड़ा सा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। पहले तो ये बात केवल डिनर टेबल तक रह गई, लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने याचना से अचार की डिमांड की, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन तारीफों की वजह से याचना ने ठान लिया कि अब वो अचार का बिजनेस शुरू करेंगी, और फिर 2018 में शुरुआत हुई जैनी पिकल्स। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इस प्लान में याचना को अपने परिवार का पूरा साथ मिला। और जो मेरा ब्रदर है वो इसमें फुल टाइम मार्केटिंग करता है, चाहे वो मार्केटिंग उसकी मतलब होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। जो मेन प्लानिंग वाला जो वर्क है वो हम आपस में डिस्कस करके, चाहे वो मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, मदर इन लॉ है, कि इसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग सब कुछ आपस में डिस्कस करते हैं। मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद देसी स्वाद के शौकीन ग्राहकों ने उनसे मुरब्बे और दाल बड़ियों की भी डिमांड की। बढ़ती डिमांड के कारण याचना ने अपने बिजनेस को इस ओर भी बढ़ाया, और यहाँ भी याचना सफल रही। वहाँ से फिर मूंग दाल बड़ी और उड़द दाल बड़ी की शुरुआत हुई, तो हमने बनाया और फिर उसको एक्चुअली हमने जितना भी लॉट उसका बनाया था, अभी हमारे पास उड़द दाल बड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि जितना लॉट हमने बनाया था, हमने 200-250 kg के करीब बनाई थी, सब खत्म हो चुकी है 2-3 महीने के अंदर ही। याचना बताती है कि घर बैठे होममेड चीजों का बिजनेस मात्र 10-15 हजार तक के निवेश से शुरू किया जा सकता है। अचार बनाने के लिए सही मौसम और सामग्रियों की सही मात्रा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद बिजनेस को कमर्शियल रूप देने के लिए FSSAI सर्टिफिकेट और ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन के लिए भी शुरू में आवेदन कर देना चाहिए। लेकिन याचना के मुताबिक इनसे भी ऊपर जो सबसे जरूरी चीज है वो है खुद पर भरोसा। कई बार हम क्या करते हैं कि सिर्फ सोचते हैं कि हमें ये करना है, बस मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपके मन में कुछ भी है कि हाँ हमें करना है, तो बस उसको स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बार आप उसको स्टार्ट करिए, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बात की बात है। याचना को खुद पर भरोसा था, और इस बिजनेस को अब वो दिल्ली से आगे बढ़ाने के लिए भी प्लान कर रही है। तो ये थी आज की पॉजिटिव स्टोरी दिल्ली की याचना बंसल की। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।